hello students i am rambhau panchal you are welcome to Namanko ji lessons today we are going to discuss about paper industries and contribution of industries in the national economy now start we know that Industry divided on several bases, like agricultural waste industries, mineral waste industries, and forest waste industries. Now, we are discuss only forest waste industries. Forests are an इन वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ़ नेचर बिच गिफ्ट सेवरल थिंग्स लाइक वुड लैक रेजेंस गम बार्क लीप्स फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स एसेट्रा जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेचर का एक वैल्यूबल गिफ्ट है और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी थिंग्स अवेलेबल होती हैं इसमें आपकी बोड है लेक्स है रेसिनस है गम बार्क लीव्स एसेट्रा दीज थिंग्स सर्व ए रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज और ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल होता है द पेपर फर्नीचर रबर सिल्क एंड फॉरेस्ट वेज इंडस्ट्रीज़ ये कई सारी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है एज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल ऑफ फॉरेस्ट वेर इंडस्ट्री। ए डिटेल अकाउंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज गिवन हेयर नेक्स्ट पेपर इंडस्ट्री इज द बेसिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन देर फोर पेपर इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज द आर्ट ऑफ प्रिपेरिंग पेपर बाय हैंड डेवलप इन इंडिया इन द एथ सेंचुरी बिफोर द ब्रिटिश रूल मेकिंग पेपर वाज ए कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया काल्पी एंड मथुरा वर इट्स मेन सेंटर्स द फस्ट सक्सेसफुल पेपर मिल्स वाज सेटअप इन इंडिया इन द इयर सेवेंटीन सिक्सटीन इन टंकुबार इन तमिलनाडु एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस दे आर आर मोर देन हंड्रेड पेपर मिल्स इन दंट्री यदि हम पेपर मिल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का बेसिक इंडस्ट्रीज है पेपर इंडस्ट्री का जो मेन रोल है इसका जो मेन रोल है वो पेपर प्रोडक्शन का वर्क होता है द आर्ट ऑफ प्रिपेरिंग पेपर इंडिया में जो पेपर प्रिपेरिंग का जो वर्क होता था वह एट्थ सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था और उस टाइम हमारा जो पेपर इंडस्ट्री था वो कोटल कोटेज इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आता था और उस टाइम के जो हमारे इंडस्ट्रीज कौन कौन से एरियाज में थी कौन कौन से सेंटर में स्टेबल थी तो वो आपका कॉलपी एंड मथुरा में ये इंडस्ट्री उस टाइम पर वर्किंग करती थी द फर्स्ट सक्सेसफुल मिल और इंडिया में सेवनटीन सिक्सटीन इन तमिलनाडु में फर्स्ट पेपर मिल आपकी स्टेबल की हुई एंड इंडिपेंडेंस के बाद हंड्रेड पेपर मिल्स आपकी स्टेबल हमारी टोटल कंप्लीट में टोटल कंट्री में स्टेबल हो चुकी हैं पेपर इज प्रपेयर्ड आउट ऑफ द पल्प मेड ऑफ बम्बू रबर रबर बोर्ड एंड ग्रास कलर्स एंड सारेस Are also used for paper making. In India, there is shortage of wood used for making pulp. Therefore, we have to import pulp. These days, racks, jute, vagus are also used as raw material in paper industry. The raw material used in India, paper industries is as follows. यदि हम इंडिया में जितनी भी आपकी पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल देखें तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है वह मेनली आपका फॉरेस्ट बेस्ट है फॉरेस्ट बेस्ट आपका जितनी प्रकार का जो इस टाइप से आपकी पल्ब है सारेस है लीप्स है और बेम्बो है ये आपके पेपर इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल होता है इसमें जो पल्प है उसकी इंडिया में शॉर्टेज है जिसके इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें ये पल्प जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है और यदि हम करंट में देखें तो रैक्स जूट और वैगेज इन सब का भी यूज हम रॉ मटेरियल में एज ए पेपर इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर करते हैं अब हम इसके रॉ मटेरियल का परसेंटेज देखें कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल जो है कितना परसेंट में पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है तो आपका रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट फॉरेस्ट वे जितना भी रॉ मटेरियल है जिसका यूज़ हम पेपर इंडस्ट्री में करते हैं पेपर इंडस्ट्री में करते हैं फिफ्टी थ्री परसेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्वेंटी थ्री परसेंट वास्ट पेपर फिफ्टीन परसेंट एंड अदर रॉ मटेरियल इज़ नाइन परसेंट लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री यदि हम इंडिया में पेपर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि कौन कौन से स्टेट में हैं तो वो हम इस टॉपिक में देखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द एवरेज 2.3 पॉइंट थ्री एट टन ऑफ बॉम्बो इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वन टन ऑफ पेपर वन टन पेपर प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बाई टू पॉइंट थ्री एट टन यूज किया जाता है अर्थात टू पॉइंट थ्री एट रॉ मटेरियल के यूज करके हम ओनली वन टन पेपर ही बुल्ड कर सकते हैं दे आर फोर पेपर इंडस्ट्री इन द कंट्री हैज़ बीन लोकलाइज्ड इन द प्लेस वेयर विसाइड रॉ मटेरियल अदर जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक प्लान लैंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज स्किल्ड लेबर एंड पावर आर अवेलेबल तो ये तो क्लियर है कि किसी भी टाइप की इंडस्ट्री आपकी उसी प्लेस पर स्टेबल की जाती है जिस प्लेस पर उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है प्लस उसके साथ प्लेन एरिया भी होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए और स्किल्ड लेबर भी होना चाहिए प्लस मार्केट भी होना चाहिए इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज़ पेपर प्रोडक्शन हैव बीन सोन इन द मैप वो हम मैप में देखेंगे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में स्टेट में जो है पेपर इंडस्ट्री आपकी स्टेबल है मेन पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री और कर्नाटका केरला बिहार झारखंड एसेट्रा इन होशंगाबाद ऑफ मध्य प्रदेश द सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड एम का जो होशंगाबाद है वहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्रीज है वह आपका जो है सिक्योरिटी पेपर तैयार करती है और जिसका यूज हम आ, नोट बनाने में करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेपर यदि हम पेपर प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो इंडिया की जो रैंक है वो ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी नंबर की है इंडिया रैंक्स ट्वेंटी इन द वर्ल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेपर प्रोडक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस पेपर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज थर्टी टाइम्स और इंडिपेंडेंस के बाद जो पेपर प्रोडक्शन में आ, इंडिया आपने जो ग्रोथ की है वो थर्टी परसेंट तक की है आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन द कंट्री फिफ्टी थ्री इज राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर के हमारी इंडिया में जितनी भी आपकी पेपर्स मिल्स हैं और जो पेपर ये तैयार करती हैं उसका जो फिफ्टी थ्री परसेंट पेपर होता है वो आपका टेस्ट बुक एंड नोटबुक के तौर पर होता है अर्थात उसमें आप रिटर्न और राइटिंग का वर्क कर सकते हैं इसमें जो 22% परसेंट है वो पैकिंग पेपर होता है कलर पेपर एंड 16% परसेंट कार्डबोर्ड गत्ते के रूप में होता है एंड 6% परसेंट इज न्यूज़ प्रिंटिंग एंड रिमेनिंग पेपर ऑफ़ द अदर स्पेशल वेराइटीज़ जो सिक्स परसेंट है वो आपका न्यूज पेपर में यूज़ किया जाता है इसके अलावा भी जो आपका रिमेनिंग पेपर्स का परसेंटेज है वो अदर परपस में यूज उसका किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ आर ऑफ पेपर इन इंडिया इ दर नाइनटीन फिफ्टी फिफ्टी वन बाज वन हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड टोज टू थ्री थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड टन इन टू थाउजेंड टू थाउजेंड नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ पेपर्स तो ये स्टेट बार एक आपकी टेबल दी गई है इसमें स्टेट का नेम और कौन कौन से एरिया में पेपर प्रोडक्शन मिल स्टेबल हैं और इंडिया में उनका टोटल प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है तो फर्स्ट रैंक पर है आपका वेस्ट बंगाल और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल के आप वो एरियाज के नेम बताएं जहाँ पर पेपर प्रोडक्शन का वर्क किया जाता है वेस्ट बंगाल में के जो प्लेसेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं टीटागढ़ रानीगढ़ नेहाटी कोलकाता काकीनाड़ा बड़ा नगर एंड सिवरापूली और टोटल वेस्ट बंगाल जो है टोटल प्रोडक्शन का फोर्टी परसेंट प्रोडक्शन करता है आंध्र प्रदेश सिरपुर राजमहेंद्री महेंद्री नगर हॉस्पेट एक्सेट्रा और ये 12 परसेंट करके पूरे इंडिया में सेकंड प्लेस पर है थर्ड पर आपका महाराष्ट्र पूना मुंबई बल्लारपुर कोलाबा, कामटी कल्याण बदावाली ओंगेरवाली एक्सेट्रा थर्ड के बाद जो फोर्थ आपका स्टेट है वो भी थर्ड रैंक पर आता है उड़ीसा और इसके जो प्लेसेस के नेम हैं वो ब्रिजराज, नगर चौदवार राजगढ़ एसेकट्रा और ये एलेवन परसेंट पेपर्स का प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश एमपी इंदौर भोपाल सीहोर एंड नेपा नगर नेपा नगर में जो पेपर इंडस्ट्रीज़ है वो ओनली न्यूज़ पेपर प्रिंटिंग का ही प्रोडक्शन करती है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन से स्टेट में कौन से प्लेस पर किस डिस्ट्रिक्ट में तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका ये सिटी है नेपा नगर यहाँ पर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का आपका इंडस्ट्री स्टेबल है एंड होशंगाबाद तो होशंगाबाद में भी आपकी एक पेपर मिल स्टेबल है जो सिक्योरिटी पेपर मिल्स के नेम से जानी जाती है इसमें जो परसेंटेज है वो लेस देन टेन मतलब ये जितनी भी अब आपके स्टेट हैं वो टेन परसेंट से नीचे का प्रोडक्शन करती हैं हरियाणा फरीदाबाद यमुनानगर एंड चंडीगढ़ एक्सेट्रा तमिलनाडु पल्लीपलायम चरण महादेवी उधमलबेट एसेक्टा यूपी सहारनपुर लखनऊ मेरठ पिपरच मोदीनगर एसेक्टा एंड गुजरात बड़ौदा पिलुमोरिया राजकोट उतरन उदाबाड़ा बारजोद एंड गोंडल एसेक्टा और ये यूपी एंड गुजरात में जो टोटल पेपर का प्रोडक्शन होता है वो लेस देन फाइव परसेंट होता है नाउ नेक्स्ट देयर आर मोर देन सिक्स हंड्रेड पेपर एंड स्ट्रॉबेज मिल्स इन द दंट्री विच गिव्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अप्रोक्सीमेट मेटली थ्री लैक्स पीपल इन अवर कंट्री द डिमांड फॉर पेपर्स इज मोर देन द प्रोडक्शन देयर फॉर दिस इंडस्ट्री नीड नीड्स कंसनट्रेटेड एफोर्ड टू स्पीड अप टू द डेवलपमेंट यदि हम इंडिया में देखें तो इंडिया में टोटल जो पेपर मिल्स हैं आपकी वो आपकी एवरेज सिक्स हंड्रेड हैं और इन सिक्स हंड्रेड पेपर्स मिल्स में आपके लगभग थ्री लैक्स पीपल को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वह जॉब अवेलेबल कराते हैं अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो आपके चाहे वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हों या मिनरल बेस्ड हों या एग्रीकल्चर बेस्ड हों चूँकि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडिया में इनका हमारी नेशनल ग्रोथ में हमारी नेशनल इकोनॉमी में कौन कौन सा किस टाइप का कंट्रीब्यूशन है इसको हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमीशन इंडिया बाज एन इंडस्ट्रियल कंट्री इवन बिफोर द क्रिस्टियन एरा यदि हम इंडिया को ये आपके इंडस्ट्रियल कमीशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके बीसी के बाद से ही स्टार्ट हो गया था क्रिस्टियन एरा मतलब बीसी से द मसलिन सिल्क क्लॉथ ऑर्नामेंट्स एसेकट्रा और ये एनशियन टाइम से ही हमारी कंट्री में इन सब का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था प्रोड्यूस इन द इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज वट द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गोट एज सेट बैक ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन यूरोप इन द मिड एटीन सेंचुरी तो इन सब का प्रोडक्शन तो हो चुका था बट यूरोप में उस टाइम पे आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी जिसके कारण हमारी इंडिया की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज थी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वह सेटबैक डाउन हो चुकी थी मतलब उनमें धीरे धीरे क्या होता वो उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और वो धीरे धीरे बंद होने लगी द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रेजुअली बिकम सेकेंड एंड एग्रीकल्चर बीकेम प्रोमिनेंट और जिसका ये रिजल्ट निकला कि हमारी इंडिया के जितने भी आपके इंडस्ट्रीज थी जो फैक्ट्रीज थी वो धीरे 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 समाप्त हो गई धीरे धीरे समाप्त होने लगें उनका जो एरिया था वो कम होता गया और इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री में डेवलपमेंट होने लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस द नीड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लेफ्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन द ईयर 1950 द नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप और इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका ये एक, एक कमीशन बना जो 1950 में स्टेबल हुआ नेशनल प्लानिंग कमीशन और ये नेशनल प्लानिंग कमीशन के जो रिजल्ट ये था कि थ्रू फाइव इयर्स प्लान टारगेट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर सेट इसके लिए फाइव इयर्स के ए, प्लान बनाए गए जिसमें इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके कंसिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी अचीवमेंट ऑफ फ़ॉलोइंग ऑब्जेक्ट कुड बिकम पॉसिबल और इन ने जो आपकी फाइव ईयर्स के जो प्लान आपके लॉन्च किए गए इससे हमारी इंडिया में जो इनके ऑब्जेक्ट्स डिसाइड किए गए वो आपके इस प्रकार हैं नंबर वन इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पर कैपिटल इनकम इनक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में जो है आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हाई करना और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उससे क्या होगी पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ होगी एंड इन जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी सुधार होगा सेकंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द ह्यूमन रिसोर्सिस कि इससे क्या होगा जॉब लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ह्यूमन रिसोर्स कैसे होंगे आपके स्ट्रेंजेंट उनसे उनकी संसाधन की पुष्टि होगी वो पुष्ट होंगे मतलब उनमें स्किल डेवलपमेंट और होगा थर्ड राइस इन द नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन इससे क्या होगा नेशनल इनकम आपकी ग्रोथ होगी और कैपिटल का क्या होगा फॉर्मेशन मतलब पूंजी का निर्माण भी होगा नेक्स्ट फोर्थ है आपका ड्यू टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज अदर कंस्टीट कंस्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी वाइज एग्रीकल्चर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर आल्सो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने से जो इकोनॉमिक के और भी फील्ड हैं जैसे आपका एग्रीकल्चर है मिनरल्स है ट्रांसपोर्टेशन है और इसका भी प्रोग इसमें भी प्रोग्रेस होगी क्योंकि इंडस्ट्री इन फील्ड से कनेक्शन इसका होता है नेक्स्ट रिसर्च इज स्टेंजेंड एंड द टेक्नोलॉजी आल्सो डेवलपमेंट इससे क्या होगा रिसर्च को बल मिलेगा उसका भी डेवलपमेंट होगा और टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा ये लुक एट द टेबल टेबल है आपकी ग्रोथ रेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब इसमें सेक्टर्स दिए गए आपके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर किसी और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है सेकंड है आपका इंडस्ट्री एंड थर्ड है आपका सर्विस सेक्टर और जॉब सेक्टर्स इसमें वाइज का कंपेयर किया गया है कि इसमें कितना परसेंट का जो ग्रोथ हो रहा है या वो उससे नीचे जा रहा है तो यदि हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल में आप देखिए जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू थाउजेंड वन टू में कितना था फाइव पॉइंट एट टू थाउजेंड टू थ्री में ये आपका थोड़ा सा नीचे गया थ्री पॉइंट एट टू थाउजेंड थ्री फोर में एट पॉइंट फाइव फोर फाइव में सेवन पॉइंट फाइव एंड यदि हम टू थाउजेंड फाइव सिक्स का देखें तो एट पॉइंट वन मतलब ये लगातार जो है ये हमारे सभी फील्ड धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं अब टॉपिक एकज लगभग कंप्लीट हो चुका है डेवलपमेंट इज इसेंटियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री इन द नेशनल इकोनॉमी कैन ब्रिंग ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री यदि हम देखें तो ये हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है नेसेसिटी है वह लगातार है और जितने टाइप्स की हमारी कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें सभी की यदि सहभागिता पूरे राष्ट्र के या नेशन के पीपल्स के साथ रहेगी तो एक प्रकार से पीपल्स का भी भला होगा उनका भी डेवलपमेंट होगा और नेश, हमारे नेशनल नेशन का भी डेवलपमेंट होगा ओके आवर टॉपिक इज कंप्लीट आई होप you have understood paper industry and contribution of industry in economic nation economic nation in the next video we will in the next video we will meet with new topics thank you